हेलो फ्रेंड्स, कलराव स्कूल हाल ऑल प्रेजेंटिंग दिस वीडियो फॉर स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स एंड साइंस इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट इंग्लिश। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेसन फ्रॉम द बुक स्नैपशॉट्स अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। ओके, दिस इज पार्ट नंबर टू। द पार्ट नंबर वन वी ऑलरेडी डिस्कस and it is already released. Those who hadn't seen that video, firstly go and watch that video so that you will get the idea about the Albert Einstein, his school thought and his life about into the school. So this is part number two. Let's see what happened with him. He told, "I doubt it." Okay, "I doubt it," said Albert gloomily. Gloomily means udash. Okay, he became very sad and told his friend Yuri that he was very he was in doubt. "I don't think that I will ever pass the exam for the school diploma," he replied, or he told his friend that he didn't think that he ever pass his school exam or school into the diploma. Wo diploma apna kabhi complete kar payega aisa usko nahi lagta hai. He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. The another character introduced here, Elsa. Elsa was his cousin. Okay, she was a girl. Okay, so Elsa was his cousin. So he told his cousin Elsa that some next time she came to the Munich. Normally she lived in Berlin. Elsa was lived into the Berlin where her father had a business, in where his father was a businessman. Elsa's father was a businessman. "I am sure you could learn in hard if you are trying to concentrate into your studies, you will be passed. You must try. I know lots of boys who are much more stupid than you are." Okay, Elsa tried to increase the confidence of the Albert Einstein to saying this kind of the word कि भाई मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे को जानती हूँ, बहुत सारे ऐसे बॉयज़ को जानती हूँ, वो तुमसे भी ज़्यादा डफर है और फिर भी वो पास हो जाते हैं, तो यू मस्ट ओके कॉन्सेंट्रेट इन योर स्टडी, यू विल बी पास्ड श्योरली. हु कैट थ्रो They say you don't have to know anything. You don't have to understand what you are taught. Okay, we are taught, sorry. Just to be able to repeat into the exam. Okay, तुझे कुछ नहीं आता है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है. तो जो भी तुझे सिखाया जाता है उसको बार 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 रिवाइज करता रहे, रिपीट करता रहे, और एग्ज़ाम में अगर उसके बारे में आता है तो तू उसको लिख दिया कर, तो यू विल बी ईजिली पास इन टू द एग्ज़ाम. दिस काइंड ऑफ द सजेशन वॉज गिवन बाई द एल्सा टू हिज कजिन ब्रदर आइंस्टाइन. दैट्स द होल ट्रबल. यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं याद नहीं कर पाता हूँ. सैड अल्बर्ट, आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाई हार्ट. मुझे बाई हार्ट लर्न करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है. यू डोंट नीड टू बी अ गुड एट इट. ठीक है, तो तू ऐसा कोशिश ही नहीं करता होगा बराबर. तुझे उसमें उसके लिए कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है. तू बार बार एक एक चीज़ पढ़ पढ़ करेगा तो ऑटोमेटिकली यू विल बी लर्न दैट ओके बाय हार्ट. एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट. पैरट की तरह तो कोई भी रट्टा मार सकता है. यू जस्ट डोंट ट्राई. लेकिन तू ट्राई नहीं करता है. What is the one you are reading? Okay, तो मैं एक जो बुक है वो तेरे अंडर आर्म देखती हूँ हमेशा. ठीक है, तो वो कौन सी बुक है जो तुम उसको बार बार रीड करते रहते हो, इतना सारा उसको पढ़ते रहते हो? अ बुक ऑफ जियोलॉजी. दिस इज द बुक अबाउट द जियोलॉजी. जियोलॉजी, रॉक्स एंड द थिंग्स. डू यू लर्न दैट? ओके, यू आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड यू आर लर्निंग द जियोलॉजी. ओके, दिस इज द अबाउट द रॉक्स एंड थिंग्स, पत्थरों के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में तुम पढ़ते रहते हो. डू यू लर्न दैट? तुम उसको याद करते हो? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. ओके, कहते हैं हमारे स्कूल में साइंस नहीं है, इसीलिए मुझे हमारे स्कूल में साइंस की ऐसी कोई बुक नहीं है और मुझे साइंस के अंदर इंटरेस्टेड है. दैट्स व्हाई आई लर्न इज अबाउट दिस. देन व्हाई आर यू स्टडिंग इट? तो उसको तुम क्यों पढ़ते हो अगर तुम्हारे साइंस तुम्हारे स्कूल के अंदर साइंस नहीं है? तो बिकॉज आई लाइक इट. अल्बर्ट टोल्ड हर हिज कजिन एल्सा दैट ही लव दैट बुक ऑफ जियोलॉजी. इट्स दैट अ गुड इनफ रीज़न.
ओके तो ये उसके लिए एक सही कारण नहीं है, इट्स दैट अ गुड इनफ रीज़न, तो ये इसके लिए सही कारण है कि भाई नहीं है तुम्हारे स्कूल में ये सब्जेक्ट तो तुम उसको पढ़ते हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम बिहाइंड दैट काइंड ऑफ द सब्जेक्ट इन विच विल नॉट कम इन टू द एग्जाम. ओके सो यू मस्ट बी अ लर्न अबाउट द सब्जेक्ट विच कम इन टू द एग्जाम. तो ये सही है. You are right, of course. Okay, you are right, of course. Albert, she said. But it won't help with your diploma. तुम सही है कि तुमको इसके अंदर इंटरेस्ट है, तुम उसको पढ़ते हो, लेकिन तुम्हें उसको डिप्लोमा पास करने के अंदर ये बुक हेल्प नहीं करने वाली है. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलरली अंटिल ही His landlady asked him to stop. His first interest into the book of science only. Okay, he was comfortable with the music and he was always playing the violin regularly. जब तक उसकी जो मालकिन है, मकान मालकिन जो है, वो उसको आकर ना बोले कि भाई बंद कर, तब तक वो वायलिन बजाता था. He was very much interested into the music and specially playing by violin. That willing gets on my nerves, she said. There is enough noise in the house with all the kids howling. Okay, her landlady वो कहती थी कि भाई तुम जो ये बजाते हो ठीक है, वो उसकी वजह से मैं नर्वस हो जाती हूँ. दैट्स इनफ नॉइस इन दिस हाउस, ये घर में बहुत ज़्यादा आवाज़ हो जाता है, जैसे ये दूसरे बच्चे आवाज़ करते हैं ऐसे ही तुम्हारा ये वाल इनकी आवाज़ की वजह से आई एम गेटिंग डिस्टर्ब. ओके मुझे शोर लगता है. Albert was tempted to point out that most of the time it was who made the hall, but he decided was better to say nothing. Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made a hall. Okay, उसको कई बार उसको बोलने की इच्छा हो जाती है ठीक है, ये कि ये जो बच्चे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से ही ये तो आवाज़ करते हैं, बराबर है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि भाई यार चलो छोड़ो कौन बोले, और उसके बाद वो अपनी जो सोच है वो बदल देता है. आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, ही टोल्ड यूरी, उसको यूरी को कहता है बस बहुत हो गया, आई डोंट वॉन्ट टू लिव हियर, आई एम नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल टू लोन इन म्यूनिक. ओके 6 महीने म्यूनिक में अकेले रहने के बाद इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम. तो मुझे यहाँ पर इतना टाइम अकेले रहने के बाद He told his friend Yuri that I felt that I am wasting my time, I am wasting my father's money and I am wasting everyone's time because from this I will not get anything because I am not taking an interest in this thing, okay, whatever going on with me. It will be better for all if I stop now. वो सबके लिए अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं यहाँ से ये सब छोड़ दूँ, मैं यहाँ से ये सब बंद कर दूँ. ओके एंड देन वट विल यू डू, यूरियास चलो मान लिया तुम ये सब छोड़ना चाहते हो, उसके बाद क्या करोगे ठीक है. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. इफ आई गो टू द मिलान आई एम अफ्रेड ऑफ माई फादर विल सेंड मी बैक. मुझे डर है कि अगर मैं वापस अपने घर मिलान गया तो मेरे फादर मुझे वापस यहाँ पे भेज देंगे. अनलेस हिज आईज ग्लेम्ड विथ अ सडन आइडिया, फिर उसके दिमाग में एक सडन आइडिया आता है. यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर, तो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड यूरी दैट तुझे कोई ऐसा फ्रेंडली डॉक्टर के बारे में पता है जो मेरी हेल्प कर सके. आई नो अ लॉट मेडिकल स्टूडेंट And some of them are friendly, said Yuri. Yuri replied that yes, I know many of the medical students, a lot of the medical students, and some of are very friendly to me. मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, Yuri told. Doctor,
डॉक्टर, नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जा सकूं। ठीक है, क्यों ऐसा तुम बता रहे हो? सपोज, सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट कहता है अगर तुम मान ले दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, तो वो बोलता है कि मुझे अगर नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और अगर मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए और डॉक्टर ऐसा कह दे कि मुझे स्कूल अब नहीं जा सकता, तो मैं स्कूल जाने से बच सकता हूँ। मुझे स्कूल वैसे भी नहीं जाना है, अगर कोई डॉक्टर ऐसा बोल दे कि भाई इस पर्सन को स्कूल नहीं भेजना है, अगर स्कूल भेजोगे तो उसके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, दैट काइंड ऑफ द कंडीशन इफ विल बी क्रिएटेड बाय द डॉक्टर, सो इन दैट केस आई विल बी सेव टू गो फ्रॉम द स्कूल। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट ही सेड यूरी सेड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई डॉक्टर ऐसा बोले। ओके, आई कांट इमेजिन एनी डॉक्टर। ठीक है, आई मस्ट ट्राई, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट कहता है मुझे ट्राई करना चाहिए टू फाइंड अ डॉक्टर हु इज़ अ स्पेशलिस्ट इन नर्व्स। ओके, आई मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द डॉक्टर हु इज़ वेरी मच स्पेशलिस्ट, उसको एक स्पेशलिटी होनी चाहिए नर्व्स के अंदर। देयर आर अ प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम, यूरी कहता है वैसे तो बहुत सारे हैं। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, और फिर वो एक मोमेंट के लिए हेजिटेट होकर रुक जाता है, एंड देन एडेड अ रादर रेक्यूलेंटली, आई विल बी आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन इफ यू लाइक। ओके, तो वो कहता है कि मैं थोड़े स्टूडेंट्स को जानता हूँ, मैं उनको बताऊँगा कि शायद वो तुम्हारी हेल्प कर पाए। विल यू? ओ थैंक यू यूरी, अल्बर्ट सेज, हिज आईज वर शाइनिंग। तो वो आइंस्टाइन एक्साइटेड हो जाता है, ही बिकम द एक्साइटेड, पक्का तुम ऐसा करोगे? ओ वेरी, अब रुक जाओ, अभी से थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी तक ढूंढा नहीं है। ओह बट यू विल, अल्बर्ट आइंस्टाइन गेट द वेरी कॉन्फिडेंस इन हिज फ्रेंड यूरी कि पक्का मुझे अभी तक तो नहीं ढूंढा है, बट यू विल बी फाइंड द डॉक्टर वेरी सून, एंड इफ आई डू, आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, अगर चलो मैंने उसको ढूंढ भी लिया, इफ आई विल बी फाइंड द पर्सन, तो उसकी क्या गारंटी कि वो तेरी हेल्प करेगा? ही विल वो करेगा। ओके, डिक्लेयर अल्बर्ट, अल्बर्ट बोल देता है हाँ वो करेगा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन, ठीक है, मैं नर्वस, सही में मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, ऐसा मैं कोशिश करूँगा, मतलब ऐसा मैं उसको डॉक्टर को फील कराने की कोशिश करूँगा, टू मेक इजियर फॉर हिम, तो उसके लिए वो ईजी हो जाएगा। ही लाफ्ड मैरिली, और वो जोर से हंसने लगता है। ओके, तो टिल हियर वी स्टॉप्ड आवर एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस लेसन। ओके, आई होप यू गाइस आर एंजॉय एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इनटू द लेसन। सो रिलेटेड टू दिस वीडियो, वट एवर द क्वेश्चन आंसर्स आर देयर, दैट आई विल सेंड यू थ्रू द PDF। ओके, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। ओके, बाय, टेक केयर।